हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक, जो पहले एक फ़ोन आया करता था, जो वो फीचर फ़ोन आता था जिसमें आपको जो कीपैड्स वगैरह मिलते थे और बेसिकली उसमें म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए बहुत सारे फीचर्स और डेडिकेटेड बटन्स वगैरह दिए जाते थे, तो उसी मॉडल को जो है वो अब फिर से रिवाइव किया जा रहा है नोकिया की तरफ से। और नोकिया ने जो है एक और फीचर फ़ोन जो है वो अभी इंडिया में लॉन्च किया गया है नोकिया की तरफ से, जिसका नाम है नोकिया 5710 एक्सप्रेस ऑडियो। और इसमें जो है वो फीचर्स क्या हैं, क्या इसके डिटेल्स निकल कर आए हैं, फ़ोन जो है वो बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, इसमें एक बहुत ही अच्छा अप्रोच किया गया है इस फ़ोन की तरफ से नोकिया की तरफ से, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये जो नोकिया का 5710 एक्सप्रेस ऑडियो है, इसमें आपको एक जो है वो ईयरबड्स दिए गए हैं, पीछे के साइड आपको जो है वो दो ईयरबड्स दिए गए हैं, और ये जो फ़ोन है वो एज अ एक इस ईयरबड्स के जो है वो चार्जिंग केस के जैसा वर्क करेगा और फ़ोन में ही अटैच होगा ये दोनों ईयरबड्स। तो इस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह का ये जो डिज़ाइन अप्रोच किया गया है नोकिया की तरफ से, और ये जो है वो इस फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डिसकनेक्ट कर दूसरे स्मार्टफोन्स और फोन्स के साथ जो आप कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों ईयरबड्स को, तो ये ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको जो है वो इस फ़ोन में आपको जो है वो चार्जिंग केस के जैसे वर्क करेगा, और प्लस यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा स्विच करने के लिए ईयरबड्स में, नहीं तो आप जो है लाउड स्पीकर में भी स्विच कर सकते हैं। और इस फ़ोन में आपको डेडिकेटेड बटन दिया गया है MP3 प्लेयर के लिए, तो आप डेडिकेटेड बटन आपको मिल जाएगा जिससे आप जो है म्यूज़िक प्ले पॉज वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाता है क्योंकि इसका मॉडल का ही नाम है नोकिया 5710 एक्सप्रेस ऑडियो, तो बेसिकली ये ऑडियो और म्यूज़िक वगैरह पे थोड़ा जो है वो ध्यान दिया गया है इसमें। और यहाँ पे आपको जो MP3 प्लेयर मिल जाते हैं, वायरलेस आपको FM रेडियो मिल जाता है इस फ़ोन में, 4G वोल्टी का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा, इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है इस फ़ोन में कॉल के लिए, और यहाँ पे आपको जो है इसमें 1450 mAh का बैटरी मिलता है जो रिमूवेबल होगा, तो बैटरी को आप निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस फ़ोन में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले मिल जाता है, न्यूमरिक एंड फंक्शनल कीज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो आपको यूनिसॉक T107 का चिपसेट मिल जाता है, 4GB रैम मिलेगा और 128GB का रोम मिलेगा। और इसमें आप मेमोरी कार्ड लगाकर अप टू 32GB तक इसके मेमोरी को जो है आप एक्सपैंड कर सकते हैं इंटरनल मेमोरी को। और यहाँ पर आपको इसमें जो वो S30+ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, और इसमें आपको बिल्ट इन गेम मिल जाते हैं जैसे स्नेक गेम हो गया या एरो मास्टर, और बहुत सारे गेम्स इसमें आपको प्री लोडेड मिल जाएंगे। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है, माइक्रो USB के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पीछे के साथ 0.3 MP का जो आपको एक VGA कैमरा पीछे के साइड मिल जाता है फ्लैश के साथ। इसमें आपको जो है वो 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक एंड रेड, तो 3 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। और इसका जो प्राइस है वो अभी इसका प्राइस है 4,499 rupees। इसका सेल जो है स्टार्ट होने वाला है 19 September से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स पे। सो गाइज, ये फ़ोन जो है वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, इसका जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले का साइज़ काफ़ी डिसेंट दिया गया है, एक डेडिकेटेड जो है आपको इसमें बटन दिए गए हैं म्यूज़िक को प्ले पॉज वगैरह करने के लिए, फंक्शनल कीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, प्लस इसमें जो ईयरबड्स वाला डिज़ाइन दिया गया है इसमें और अप्रोच किया गया जिसमें आपको इस फ़ोन में ही आप ईयरबड्स को रख सकते हैं, और उसका भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है, जैसा नोकिया अपना प्रीमियम सेगमेंट को टच करता है उसी तरह इसको भी बनाया गया है। फ़ोन का प्राइस भी मुझे जो है वो काफ़ी डिसेंट लगा है, एक अलग अप्रोच किया गया है फ़ोन में। और गाइज, इस फ़ोन में आपको जो है वो इसका प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, और देखते हैं 19 September को ये आता है तो कितने सेल्स वगैरह होते हैं। और बाकी इस फ़ोन में अगर कुछ मुझे ऑफ़र पता चलता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दूंगा। सो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।